क्या बोला? हेलो हेलो। हाँ तू बता, ठीक है? अभी तक लाउड स्पीकर पर आ रहा हूँ, बता क्या सीन हुआ था। हाँ बता बता क्या सीन हुआ था। देखो लाउड स्पीकर पर आ रहा हूँ। सीन ऐसा था, अभी देखो कम्युनिटी में दो टीम की राइवलरी चल रही है, सबको पता है। वो दोनों एक दूसरे के टॉप पे कंटेस्ट करती है, ठीक है, बट कोई तीसरी टीम जाके ये चीज करे तो वो सब तो नहीं जमता। पर ऐसा हुआ था, मैं बैक स्टेज खड़ा था, तो मेरे लोग का टॉप क्लैश चल रहा था सोल और गॉडिल का। गॉडिल कुत्ती थी, सोल कुत्ती थी। तो तब ऐसा था कि गॉडिल ने शायद मारा था, तो सोल का क्वालिफाई करना थोड़ा टफ था, शो डाउन की बात है। फिर मैं बैक स्टेज खड़ा था टीम के साथ, मतलब जहाँ पे प्लेयर्स बैठे थे वहां पे माया जी आके मेरे को ये बोला कि थोड़ा हम लोग जा रहे हैं ऐसा सोल को सपोर्ट करने, तुम लोग भी आ जाओ एक साइड से, गॉडेल को मार देंगे, फिर सोल क्वालिफाई कर लेगी तो गॉडेल को टारगेट कर देगी, ऐसा उसने बोला। अभी उसने सोल से क्या बात की वो सब मेरे को नहीं मालूम, उसने खुद आके हमको ये बोला था कि जी तो जा रही है मार दिया, तुम लोग आके सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला मैं क्यों करूँ ये सब, और उसको पता नहीं अभी हम लोग का कितना क्लोज रिलेशनशिप है, 3 4 साल से खेल रहे साथ में। ये सीन हुआ था और वो फाइनल्स का बता जो तू आके मेरे को बताया था, फाइनल्स में, क्या था तू मेरे को वो मैसेज क्यों किया था? फाइनल्स में, तो वही मैं वो सुनने में वो मतलब किसी से पता चला था, मेरी मतलब टीम के बंदे से, जैसा होने वाला है। तो मेरे को सबको एक चीज को पता था, सोल मारेगी घोड़े को, टारगेट तो करेगी, बट जी का किसी को नहीं पता था। अब ये लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इसके लिए इनको पहले ही कॉशियस करके मैचेस से पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर रहना। एक टीम करे दो टीम बढ़ रही है भाई, वो दोनों टीम का लुकआउट है, वो जो दोनों करे एक दूसरे को, तीसरी टीम के बीच में बढ़ रही है अपना टूर्नामेंट खराब करने को। ठीक है चल मैं तेरे को कॉल करता। तो क्या सीन भैया जी, क्या बोले अभी, क्या बोले? हाँ अबे अभी आओ, अबे माइक ऑन करने का ट्राई कर लो। हाँ अब आ रहा है। हाँ गाइस, अभी ये नील स्टार, ये आरएनटी का मैनेजर है, ये तुमको बताएगा कि लोग जी के पास क्यों गए थे। बता तो नहीं, पहला तो भाई यही है कि जो पैराडाइज में सैनोक में जो ड्रॉप क्लैश लिया था जी ने, तो मेन तो यही था। और ऐसा कुछ हमारा तो था नहीं कि भाई यहाँ मैं और न्यू और शेडो बात कर ले कि भाई लास्ट मैच में तुम कामिश के चले जाओ हम इधर जाएं, या हमारा कोई सीन नहीं होता भाई। हम तो डायरेक्ट टारगेट करने के लिए गए थे क्योंकि जी को अगर अच्छा मैच जाता तो वो निकाल लेती। और ये बता इसमें भी जब हम लोग बाहर थे, मतलब मैं शैडो खड़े थे, तू आके डायरेक्ट यही बोला ना कि हम लोग तो जी को टारगेट करने आ रहे, हाँ तो उसमें मैंने तेरे को ऐसा बोला क्या कि तू जा या फिर मैं ना ना कामिश के जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं मतलब भाई मायावी भाई, भैया भाई, जी फुल स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट है भाई, भैया कुछ ना जी कुछ। मतलब पहले खुद उंगली कर दो। मतलब उन लोग ने पहले देखा कि आरएनटी के 3 मैन है, आगे उस दिन टोपा नहीं खेल रहा था आर बी मारता उनको, ना, हाँ उनको 6 फ्री किल्स गए, उन लोग पैराडाइज 3 मैन मार दिए, फिर जब उनके इसमें ये आरएनटी आ गई तो उनको गांड से लग गई। चल ठीक है नील, मैं आता, ठीक है। हाँ भाई वो रिकॉर्डिंग है जिसमें सिड, वो बंदे का नाम नहीं लूंगा दूसरे बंदे का, एक एक्स वाई जी बंदे के साथ कॉल पे था, और वो एक्स वाई जी बंदे ने सिड को बोला कि INS और ये टीम अप कर रहे हैं, उसके पास वो चीज़ की रिकॉर्डिंग है, और वो बोल रहे हैं वो चीज़ की वो रिकॉर्डिंग दिखाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें उसको एक्स वाई जी बंदे ने बोला कि INS और गॉडेल टारगेट करेगी, टीम अप कर रही है, टीम अप सॉरी टारगेट नहीं, टीम अप, टीम अप स्पेसिफाई था क्या कहीं पे चैट में? नहीं ना, हज़ारों चैट ऐसे बना के लाऊ मैं, हज़ारों चैट बना लूँ, पर मेरे से एक रिकॉर्डिंग नहीं बन रही ना भैया जी, वो चीज़ का रिकॉर्डिंग है गाइस। स्लो स्लो क्लैप्स, स्लो क्लैप्स कि हम लोग इरेंगल में फर्स्ट मैच नहीं उतरे थे, तो भैया जी ई स्पोर्ट्स प्लेयर है हम, पब्लिक ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, हम ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, हमको तो मती बनाओ, हमको तो येड़े में मती निकालो। पहले मैच में कोच हो ना, याद रहता है ना फ्लाइट पाथ किधर से, पहले मैच का फ्लाइट पाथ था यासनाए से लेके नोवो तक, जॉर्जो सिटी का फ्लाइट पाथ था उसमें, नहीं हमको ऑलरेडी बोल दिया था कि जी और सोल टारगेट करने वाले हैं, हम गाड़ी लेके सिटी गए, जी किधर जाती है, जी किधर जाती है, यासना? तो मेरे को बताओ अगर क्लियर कट जी यासना नहीं जाके गाड़ी लेके सिटी आती तो क्या लगता है लोगों को? स्मार्ट भी तो खेलना है, स्मार्ट भी तो खेलना है, क्यों जी ये लेके आएगी वहां पे? मेरे को बताओ, राजीव जंगल आता छोड़ो सुबह जाए, मेरे को बताओ क्या अगर पहले मैच में जब यासना ऐसी फ्लाइट पाथ में जी यासना छोड़ के सिटी आई गाड़ी लेके, जबकि वो सिटी कभी आती भी नहीं जिंदगी में, नहीं पता चल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है वो हुआ ठीक है। हाँ